मित्रों, लगभग 82 लाख लोगों को हमने घर दिया है। 15 करोड़ लोगों को कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति 2 साल तक प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाकर, उसकी रोजगारी बंद हो गई थी, इसके घर का चूल्हा जलाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने, तेल दलहन और नमक देकर उसको बाकी की रसोई में भी सुविधाएं दी। मित्रों, लगभग 3,76,00,000 किसानों से जिनको ऋण लेना है तो 6,000 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि जमीन ही उसकी नहीं कम। अब 6,000 ऋण लेता था, भर नहीं पाता था, ऋण ही बन जाता था। बार बार डिमांड आती थी कि ऋण माफ करो, मोदी जी ने ऋण लेने की संभावना ही समाप्त कर दी थी। हर व्यक्ति को 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया कि भैया ये तेरा 6,000, तुम्हारा कृषि का काम करो, तुम्हें ऋण लेने की जरूरत नहीं है। लगभग 23,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को ट्रांसफर करने का काम किया है, 37,600 करोड़। और इसके साथ साथ 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक कोई भी 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक कोई भी बीमारी आए, कोई भी अस्पताल में जाना हो, 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज भारत सरकार मोदी जी भर रहे हैं, उसको बीमारी के बोझ से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान हमें संवेदनशील बनाने की सीख देता है, सरकारों को संवेदनशील होना, जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में ये लगभग 1 करोड़ घर हर मामले में लखने वालों के मन में एक दर्द पैदा करने के लिए आज मैं कह रहा हूं कि हमें मालूम नहीं है कि हमारा वोट सोचे समझे बगैर अगर कहीं देते हैं तो वो 1 करोड़ गरीबों का क्या होगा। अगर सोच कर देते हैं तो वो 1 करोड़ गरीब को मन में आज आशा, अपेक्षा, उमंग, उत्साह जगी है, वो देश की विकास यात्रा में जुड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सरकारें इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा इसके साथ रिश्ता है, इसने मेरा एक कुछ काम कर दिया है, ये मेरे यहाँ दवाई कराता है, ये मुझे मिलने आया था भोजन पे, ये क्राइटेरिया नहीं होते। क्राइटेरिया समग्र यूपी का समग्रता से विकास कौन कर सकता है, वो क्राइटेरिया है। जातिवाद के बगैर कौन सरकार चलाता है, वो क्राइटेरिया। तुष्टिकरण के बगैर कौन सरकार चलाता है, वो क्राइटेरिया। डेमोक्रेसी के सिद्धांतों में मानकर परिवारवाद के बगैर कौन सरकारें चलाता है, वो क्राइटेरिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाली सरकारें कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। अंत में 5 मिनट में मैं कुछ बताना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश का गौरव भी है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से उत्तर प्रदेश ने देश का नेतृत्व किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।